ओबेसिटी यानी मोटापा एक ऐसी समस्या है जो तमाम समस्याओं की शारीरिक जननी है। अगर आपके मोटापा है तो आपके जोड़ों में दर्द की संभावना है और होगा भी, मैं समझता हूँ। अगर आपको मोटापा है तो ब्लड प्रेशर की संभावना है, अगर आपको मोटापा है तो डायबिटीज़ की संभावना है, अगर आपको मोटापा है तो कमजोरी की संभावना है, और अगर आपको मोटापा है तो आपको डिप्रेशन की भी संभावना है। तो साथियों, अगर मोटापा कम हो जाए तो इनमें से जो भी समस्या किसी को हो वो भी खत्म होने की पूरी संभावना है। आज हम आपके लिए उसी बात को पूरा करने का एक रास्ता लेकर आए हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे मोटापे के विषय में, वह विषय जिसके लिए, जिसको निजात पाने के लिए अगर आप समर्थ हैं आर्थिक तौर पे, तो आप कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार हैं। मेहनत आप बहुत करते होंगे मानसिक, तभी आप समर्थ हैं, लेकिन आप समर्थ हैं और आप इस विषय में पैसा खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन तब भी आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। तो आज हम आपके लिए लाएं एक ऐसा ही घरेलू नुस्खा जो आपके वेट लॉस को करने में मदद करेगा, आपकी ओबेसिटी मोटापे को खत्म करने में मदद करेगा। नुस्खा साथियों बहुत अच्छा है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा बहुत कारगर है। यह भी बताऊंगा यह क्यों काम करेगा, लेकिन साथियों पहली बात जो आपको बता दूं कि मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता। नुस्खा तभी काम करेगा जब आप अपने लिए काम करेंगे, आप अपने इच्छा को पूरा करने के लिए काम करेंगे, आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करेंगे, जो इस वीडियो की कॉन्टेक्स्ट के बाद में ओबेसिटी है, मोटापा है। यदि आप उस लक्ष्य को पूरा करने में अपनी मदद करेंगे तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके उस लक्ष्य पूर्ति में हमारी तरफ से मदद के तौर पे अवश्य शामिल होगा। क्योंकि साथियों आप जान रहे हैं, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है, कि मोटापा आता है तो कमजोरी आती है, मोटापा आता है तो जोड़ों का दर्द आता है, मोटापा आता है तो डायबिटीज़ आती है, मोटापा आता है तो ब्लड प्रेशर आता है, मोटापा आता है तो आपका मूवमेंट ही रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, थकान आती है, फटीग आता है, और सबसे बड़ी चीज़ आपको मोटापा आता है तो आप में हीन भावना आती है। तो साथियों आज हम बताते हैं आपको बड़ा अच्छा सा घरेलू नुस्खा जो आपके मोटापे को कम करने में मदद कर सकता है, बशर्त है आप भी अपनी मदद करने के लिए, यानी कि एक्सरसाइज करने के लिए और डाइटरी डिसिप्लिन के लिए तैयार हों, और साथ में आप हमारा ये नुस्खा दिन में 2 बार 3 महीने तक, 2 से 2 महीने तक करिए, और आप देखिए आपके वेट लॉस कितनी तेज़ी से होना शुरू होगा। और बहुत आसान नुस्खा है साथियों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बड़ा कप पानी ले लेना है, एक बड़ा कप आपको नॉर्मल वाटर ले लेना है, ठंडा ना हो, नॉर्मल वाटर जो कि बॉइल्ड हो चुका हो लेकिन ठंडा हो, या गुनगुना हो तो भी चलेगा। तो गुनगुना पानी जो कि बॉइल करा जा चुका हो, वो जिसे पक्का पानी भी कहते हैं, वो आपको एक बड़ा कप पानी ले लेना है। उसमें आपको 2 चम्मच नींबू का रस डाल देना है, 2 चम्मच आपको नींबू का रस डाल देना है, आपको उस ताज़ा नींबू का रस, और 1 छोटा चम्मच आपको शहद डाल देना है, हनी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस नुस्खे का, इतना तो आप पहले से जान रहे होंगे, लेकिन 1/4 आयाम जो इसका है वह है काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर, आपको चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर डाल देना है।
अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। इन चारों चीजों को आपको मिला लेना है और इसको आपको पी जाना है सुबह खाली पेट। एक बार आपको सुबह पीना है, एक बार आपको शाम को पीना है। दिन में दो बार 2 महीने तक आपको इसका सेवन करना है। इसी बीच आप देखेंगे कि आपका वेट लॉस तेजी से होने लगा, आपकी ओबेसिटी जाने लगी। और साथियों मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों होगा, क्योंकि विश्वास, जब आप में विश्वास होगा इस नुस्खे के प्रति तो आप इसको करेंगे, और जब आप करेंगे तो आप इसके लाभान्वित होंगे। पहला इंग्रेडिएंट जो साथियों इस नुस्खे में इस्तेमाल करा गया है पानी के अलावा, वो है शहद। शहद साथियों वेट लॉस में बहुत मदद करता है। गुनगुने पानी में, दूध में डालने पर यह वजन को बढ़ाता है। जो शहद होता है साथियों, इसकी एक बड़ी खास करेक्टरिस्टिक होती है। कभी आपने इस बात को सोचा है कि एक शहद, ये सुना जरूर होगा आपने लेकिन सोचा नहीं होगा कि शहद को जब आप दूध में डालो तो वजन बढ़ाता है, और शहद को अगर आप पानी में डालो तो वेट लॉस करता है। ऐसा इसलिए साथियों क्योंकि शहद एक ऐसा कुदरत का कंपाउंड है जो कि स्वयं की प्रॉपर्टीज को बचाते हुए जो दूसरा इंग्रेडिएंट जिसमें आप डालते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को कैरी करता है। यह योगवंशी होता है आयुर्वेद के कंसेप्ट के हिसाब से। तो आपको पहला शहद लेना है जिसमें कि फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, आपको वेट लॉस में मदद करेंगे। दूसरा हमने बताया लेमन। लेमन में साथियों पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं जो आपके वेट लॉस को मदद करेंगे। और तीसरा जो हमने चुटकी भर आपको काली मिर्च ब्लैक पेपर बताया है, ब्लैक पेपर साथियों वो कंपाउंड है जो फैटी एसिड्स के फॉर्मेशन को आपके शरीर में रोकता है और इसको चेन रिएक्शन के रूप में कैरी फॉरवर्ड करता है। यानी एक बार अगर आप एक चुटकी पेपर पानी में डाल के जैसा हमने बताया पी लेते हैं तो आपको फैटी टिश्यू को रोकने का फॉर्मेशन का शरीर में चेन रिएक्शन ट्रिगर हो जाता है और आपका उससे वेट लॉस होने लगता है। करिएगा साथियों, बहुत अच्छा नुस्खा है, आपका जाता कुछ नहीं है, जो है पाने के लिए ही है। इसको करिएगा साथियों, हमें कमेंट पोर्शन में लिख के बताइएगा आपको इससे लाभ 2 महीने में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे पाए। निवेदन करेंगे साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करा होगा अन्य साथियों से सब्सक्राइब कराइएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो ही प्राप्त करते रहिएगा। डॉक्टर उमंग खन्ना क्लिनिक आपके सुख और मंगलमय जीवन की कामना करता है। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।